मीठा कहाँ का पानी है? जिससे प्यार होती है ना, वो आपको एक साल बाद भी दिखे तो आपकी फीलिंग्स वैसी ही रहती है। हम चाइनीज टेक्निक फॉलो कर रहे हैं। मतलब जो मेरा मायका है आपको पता है वो है, मैं अपने हाथ से तोड़ना चाहती हूँ। कांटे भी है दोस्तों। हेलो चिक्की मिक्की, कैसे हो आप? मेरे मुंह में पानी आ रहा है, यहाँ पे हिट कर गई। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अपने मायके से होके जा रही हूँ। हेलो मम्मी, आगे ले रही हूँ उसकी। गाइस मेरा फ्यूचर मेरे बगल में बैठा हुआ है। मम्मी क्या करो, गाड़ी खिलाओगे क्या? गाड़ी खिलाओगे किसका और का यार, ये छोड़ दो ना। देख लो हमारी पहाड़ी, जब लड़की ना सिंदूर भर लेती है ना गले में मंगलसूत्र सिंदूर, तो उनके लिए चीज़ जरूर बोलना चाहूँगी, प्लीज़ ध्यान से सुना। पहाड़ों में ना गाइस, उत्तराखंड के इन प्यारी सी वादियों से आप सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। सो मैं हूँ अभी मरड़ा गाँव में, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के मरड़ा गाँव में। तो जैसा कि आपने पीछे देखा वीडियो में, कल हम बारात में पहुँचे, उसके बाद हमने थोड़ा सा डांस वगैरह करा, वो भी आप देख चुके हैं, और उसके बाद फैमिली गैदरिंग भी हुई, तो इसी में सारा टाइम बीत गया, कुछ पता नहीं लगा। और करते 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 रात हो गई, और जो हम पहुँचे बारात में, एक्चुअली हम पहुँचे अंधेरे में थे तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, आई एम रियली सॉरी। बट मैंने फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, जितना कि आपने पीछे देखा वो दिखाने की, क्योंकि हम निकले थे सुबह आपको पता है अराउंड 10 के, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और रुड़की से, तो रुड़की से हम निकले और हम फिर उसके बाद पहुँचे पहले कोटद्वार, फिर कोटद्वार के बाद सतपुली, सतपुली के बाद फिर उसके बाद हम नौगांव खाल में एक स्टॉप लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाँ नौगांव खाल में एक स्टॉप लिया, और स्टॉप लेकर वहाँ पर हमने चेंज करे थे ड्रेसेस जो हमें यहाँ पर बारात में पहनकर आनी थी। उसके बाद हम वहीं से प्रिपेयर होकर, रेडी होकर मतलब, निकल गए थे बारात के लिए। और आपको एक चीज़ और बताऊँ, मुझे बहुत अच्छी लगी एक चीज़, तो मतलब सीरियसली मैं ये कहूँगी कि मैं अपने मायके के रास्ते से गुजरी। मतलब जो मेरा मायका है आपको पता है वो है थापला, इट इज़ काइंड ऑफ माय मायका, मैं मायका कह सकती हूँ बिकॉज वो मेरा पापा का गांव है, तो मेरा ही गांव हुआ वो, तो मेरा मायका जैसा ही हुआ। तो जो थापला है वो पड़ता है सतपुली के बाद, सतपुली आने के बाद भौंसाल, भौंसाल के बाद पाटीसैंड बाज़ार, पाटीसैंड बाज़ार के बाद ज्वालपा देवी के लिए रोड कट जाती है और हमारा ऊपर जाता है। आपको मैंने शायद मैंने अपने विलेज वाले ब्लॉग पर बताया होगा, तो थापला बीच में आया था और मैं ऐसे देख रही थी आंखें उठा उठा के, नज़रें उठा उठा के, कि कोई तो होगा मेरा अपना रास्ते में खड़ा हो रखा। तो लाइक दैट फीलिंग वॉज टोटली यू नो डिफरेंट, यहाँ पे हिट कर गई। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अपने मायके से होके जा रही हूँ, लेकिन मैं मिली नहीं, क्योंकि होता है ना हम बारात के पर्पज से आ रहे, तो वहाँ पर कब तक रुकती जाती। तो ये रहा मज़ेदार, मुझे ये भी लगा। एंड सीरियसली आई लव उत्तराखंड, आई लव माई विलेज, ऐसा नहीं है मैं जाती नहीं हूँ, बट बहुत कम जाती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज़ से प्यार होती है ना, वो आपको एक साल बाद भी दिखे तो आपकी फीलिंग्स वैसी ही रहती है, जैसे मेरा गांव और जैसे उत्तराखंड। जो लोग कंफ्यूज ना हो, मरड़ा मतलब, मरड़ा आपके धरासू के आसपास वाला मरड़ा है ये, पौड़ी गढ़वाल का। तो यहाँ का जो लाइक मैं आपको एक बार पूरे पहाड़ का वो दिखाती हूँ सीन, इस तरीके का पूरी यहाँ के दृश्य है कुछ। सूरज भी आ चुका है, और आज हम एक्चुअली, कल ना हम इतना थक गए थे दोस्तों, उसके बाद हमें टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का, हम सीधा यहाँ पर आए हैं मामी के घर में। मेरी मामी का ये मायका है, एक और ट्विस्ट अब आ गया ना, ये मेरी मामी का मायका है जहाँ से दुल्हन हम लेके जा रहे हैं मेरे मामा के लिए, मेरे नाना जी के बेटे के लिए। तो मेरी मामी का ये घर है जिसपे हम अभी स्टे कर रहे थे रात को, और बहुत मज़ेदार भी रहा ये। मेरे मामा लोग भी रुड़की रहते हैं, सगे मामा लोग, तो वो लोग भी काफ़ी सालों बाद घर आए थे, तो उन्होंने भी हमारे लिए बहुत अच्छी अरेंजमेंट करी सब कुछ, ताकि हम लोगों को, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो सोने रहने में। तो रियली मुझे घर भी अच्छा लगा, मुझे एकोमोडेशन सब अच्छा लगा, जो मैनेजमेंट थी सारी अच्छी लगी, और बारात भी ऑलमोस्ट अच्छी ही थी, बट गांव की बारातों में वो बात नहीं रह गई, होता नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, आई डोंट नो व्हाट, बट आप कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको भी लगता है तो। हम कितने बजे उठे नितिन मॉर्निंग में? आई मुझे ढंग से याद नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मौसी उठी, फिर नितिन उठा, फिर उसके बाद मैं उठी 6:40 के अराउंड, राइट 6:40 के अराउंड हम मॉर्निंग में उठे और फ्रेशन अप हुए, रेडी वगैरह हो गए हैं अब हम बारात लेके जाने के लिए यहाँ से मरड़ा से। अब हम सब लोग बस रेडी हैं, अब हम जाएंगे बेदी में, बेदी हो रही होगी वहाँ पर। मौसी लोग चले गए क्या मिठाई देने के? हाँ, यहाँ पर एक्चुअली हमारी नानी भी रहती है, मेरी नानी की छोटी बहन। कितने रिश्ते निकलते हैं और पहाड़ों में। एक चीज़ मैंने पता है, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, प्लीज़ ध्यान से सुना, पहाड़ों में ना
जैसे कोई नॉन पहाड़ी होता है बोलता है अरे तुम पहाड़ी लोग क्या है, कहीं पर रिश्ते निकाल देते हो ऐसे करके कुछ भी ना, तुम कैसे जानोगी उसको वो कौन है क्या है। बट एक बात बोलूँ, फन फैक्ट यही है उत्तराखंडियों में, आप ये मत बोलो हम इसको कैसे जानेंगे, हमें दो मिनट ही लगता है वो बंदा कौन से गाँव से है। अगर हमने एक बार पता कर लिया ना वो लड़की या लड़का कौन से गाँव से है या कहाँ रहते हैं, तो अभी हमने अपनी मम्मियों को बता दिया, वो एक महीने के अंदर ऐसे रिश्ते निकालेंगी, वो बोलेंगी ये तो मेरी फूफी फूफा जी का बेटा है, ये तो मेरी इनका वो है। बट सीरियसली आई लव दिस थिंग कि हम लोग सब ऐसे मिलजुल के रहते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं गांव टू गांव कि इस गांव का कौन है क्या है। तो अब एक काम करते हैं, आपको मैं ले चलती हूँ सीधा लाइव मंडप के दृश्य दिखाने के लिए। यहाँ पर एक पेड़ पे कितने सारे माल्टे लगे हुए, वाओ यार। बट इट इज़ माय फर्स्ट टाइम, मैं खुद, मेरी इच्छा थी, मेरा ड्रीम था ये कि मैं तोड़ूँ फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स, और देखो कितने फ्रेश है। जब तक ये दिल्ली पहुँचेंगे या कहीं अदर सिटीज पहुँचते तब तक इनकी चटनी बन जाती है ना। और हम चाइनीज़ टेक्निक फॉलो कर रहे हैं तोड़ने के लिए, एंड आई पिक वन बाय माई ओन, मैं अपने हाथ से तोड़ना चाहती हूँ। आओ कांटे भी है दोस्तों, आओ जाओ जाओ। ओह वाओ, मैंने एक पिक कर लिया, स्मेल भी एकदम फ्रेश है एकदम। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बट पानी को हम कंट्रोल में रखेंगे, और मैं इसमें से कुछ चार पांच दिल्ली ले जाऊंगी अपने साथ, और पुदीना भी है। ये रहा पुदीना चटनी बनाने के लिए, गजब। नींबू भी है, और भी बहुत है, बहुत कुछ है यार गांव में, तो सब कुछ होता है इस मौसम में, सर्दी विंटर्स के मौसम में ऑलमोस्ट आपको ये खट्टी चीज़ें बहुत देखने को मिलेगी और खाने को मिलेगी। लेकिन वही चीज़ है ना, यहाँ पर लोग कम खाते हैं, और हम ये दिल्ली ले जाएँ तो गजब। हम तो बनाएंगे क्या कच मूली, आई मीन चाट। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो इन्जॉय कर रही हूँ इसको यार। और भी चीज़ें, मिर्ची भी है नीचे, मिर्ची पूरी, हल्दी लगा रखी है, फायदा है भाई गांव में रहने का, फ्रेश ऑर्गेनिक चीज़ें। कहाँ चल गया है, इधर आ गया, बुज्जो में आ गया है। मामा आराम से, हाँ कहीं फिर आप हमको थोड़ी देर में भूल जाओ, याद ना कर रहे हो, एकदम सर पे एक किडनू गिरा तभी याद आता है, जब दर्द होता है। हमने काफी रन्स कर लिए हैं, इतने बॉल्स में हमारे इतने रन हुए हैं अभी। अब मैं अपने लिए तुड़वा रही हूँ नींबू। हाँ। देखो छोटे छोटे नींबू दिखाई दे रहे, क्या खुशबू आ रही है लाइम की। ओ बकरी, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ दोस्तों, एक मिनट। हाँ आई लव चिनका, ले ले चिनकू, गांव में आने का ही ज़रा फायदा यार। आई लव, ले चिनकू, अरे मेरे पास आ जाओगे सबके सब, एक मिनट बेबी। हेलो मम्मी आ गई आपकी, मम्मी है। हेलो आंटी, हेलो आंटी, आपकी बेटी है, आपकी बेटी, आपकी बेटी, जाओ बाबू। आई लव चिनके, आई मीन आई लव बकरी के बच्चे। चलो दोस्तों मैं खाना खा लेती हूँ, अब जा रहे हैं हम वहाँ पे फाइनली। मेरे लिए नींबू भी तोड़ के मैंने पुदीना तोड़ के रख लिया अपने लिए, ये रहा मेरा पुदीना, गिफ्टेड बाय मामी के या भाभी, गिफ्टेड बाय मामी के भैया भाभी, एंड थैंक्स टू देम। चलो दोस्तों मैं सोचा आपको दिखा देती हूँ मैं जाते जाते रास्ते में। हेलो चिक्की मिक्की, कैसी हो आप चिक्की वाली, चिक्की को बुलाओ। नहीं यार तुम खाओ, कैसा हो रहा, थोड़ा बस इसका रस चखा दो, मुझे रस निचोड़ के कटवा देख के मुँह पानी। देखो एक सियोली खा रही हूँ, हाँ फर्स्ट बाइट ले रही हूँ उसकी, खट्टा है पर अच्छा है, मैं खट्टा खाता हूँ। सॉरी मेरा मुंह मत देखना मेरा मुंह बहुत गंदा लग रहा है खट्टा खाते समय, मैं सच बताऊँ लेकिन
अब मुझे उससे प्यार हो गया भाई। मैं अभी तक सोच रही थी कि नहीं खा पाऊंगी, बट नितिन मुझे ना भाई को नमक लगा के दे दे, ये मैं खा जाऊंगी। अच्छा अच्छा, भरोसा रखो अपनी दीदी पे। तो भाई दीदी भरोसे के लायक है। वैसे एक चीज़ तो है, रास्ता भटक भी जाओ तो ये जो बैंड बाजों की आवाज़ है ढोल दमों की, ये सुन सुन के आप तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाओगे। और सुबह सुबह ना, सुबह सुबह ना ये जो गांव के चूल्हे जलने की खुशबू आती है ना, बहुत गजब होती है। मतलब लकड़ी जलने की आग जगाते हैं जब चूल्हे में, मतलब जब चूल्हे में आग जलाता छी ना, तो वे एक जो खुशबू आना ना, मैं तो बड़ी पसंद छो। कुछ लोगों के लिए स्पेशल फरमाइश मैंने गढ़वाली बोल दी। अब पहुंचेंगे। आई थी प्रिंसेस बनके और अब बालों की इतनी लग गई है कि अब बन गई हूँ मैं प्रिंसेस लाइट। चलिए हम पहुंच गए हैं। एंड यार हील्स उतार दी, अब शूज में आ गई, हील से मेरे पैर कट गए। ब्रेकफास्ट कर लेती है और मौसी लोग हमें दिखे ही नहीं, तब से नितिन कॉल कर रहा है। और वो लोग मैं बताती हूँ कहाँ थे, ये लोग छुपे थे, ऐसे ऐसे देख रहे हैं सीधा, ये लोग छुपे हुए यहाँ पर। क्या कर रहा तुम, तुम्हें फोन कर रहे नितिन, हमें ये सब ज़्यादा छुप रहा जी मार दी। वो देखो चिड़िया का घर दिखा ना, चिड़िया का है वो मधुमक्खी। अच्छा चिड़िया का है, हाँ 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 से दिखा। चलो चलो अब चलते। क्या आप मेरे पीछे एक पुराना पुश्तैनी घर देख सकते हैं उत्तराखंड का, आज भी बरकरार है कुछ कुछ गांव में। और इस लाइन में तीनों घर ही ऐसे हैं, हमारे ऐसे कहते हैं कूड़ा मतलब घर, कूड़ा आप कचरा वाला मत समझना प्लीज़, कूड़े मतलब होता है घर, घार भी बोलते हैं। और एक चीज़ तो खासियत है उत्तराखंड की ना गाँव में, कि लोगों ने अपनी अपनी खेतियाँ कर रखी होती है गार्डनिंग, तो कुछ ना कुछ फूल फल तो आपको उनके गार्डन में देखने को मिल ही जाएंगे। जैसे ये देखो कितने खूबसूरत फूल हैं, हालांकि तोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन गाइस क्या करें, गाइस मैंने तो ज़्यादा ही जड़ से उखाड़ दिया तो सॉरी। ये मुझे पसंद आया,
और ये ना खुशबूदार भी है। मामी क्या करो, गाड़ी खिलाओगे क्या? गाड़ी खिलाओगी किसका और का यार, ये छोड़ दो। सॉरी आज देख रहा होगा लोग, पता नहीं किसका संतरे है ये। माइका। अच्छा हाँ, मामी का तो माइका ही है, बताया था। जस्ट चिल। पहाड़न में पहाड़ के फूल कितने खूबसूरत लगते हैं, राइट? सो गाइस, मैं चलते चलते बेदी तक आ गई हूँ। हालांकि पूजा वूजा हो चुकी थी जब तक हम आए थे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अब दुल्हन का ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो रहा है और पीछे वो लोग अपना अब लास्ट जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी कर रहे हैं, जो अब विदाई के टाइम की होती है, और डांस वांस चल रहा है। तो मैंने सोचा आपको बेदी दिखा देती हूँ। ये रही बेदी। हालांकि ये केले के जो पत्ते थे उठे हुए थे, खड़े थे, मतलब अभी ना गड़ रखे थे, बट अब नीचे गिर चुके हैं क्योंकि हो चुका है काम समाप्त। अगर आपको पूरी वैसे वेदी देखनी है तो आप मेरे पिछले व्लॉग में देख सकते हो, जो मेरी कज़न वेडिंग, कज़न सिस्टर की वेडिंग में था। बाकी यहाँ तो हो चुका है पूजा पाठ सब। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। कहाँ की तरफ? मामी के घर की तरफ वापस, क्योंकि पैकिंग करनी है एंड हमें फटाफट से निकलना भी। अब पहाड़न कितनी प्यारी होती है ना, देख लो हमारी पहाड़ी बेटी ऐसी होती है, सुंदर सुंदर लो खेल लो फूल के साथ। नहीं रोना नहीं, खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो, रोना नहीं है। ये देखो दोस्तों, इनके 2-3 किलो के तो ककोड़े हो गए होंगे, मीठे करेले। अच्छा इसमें जी हाँ हेल्प करना, और बीच मिर्ची भी है इसमें लाल। अरे ले हम किस इसको, अरे बाप रे क्या क्या करेंगी मामी, तो पूरे अपने मायके सब लेके चले गए रे। हेलो अच्छा, वो ककोड़े भी लेके आती हूँ मैं। सब्जी बनेगी इसकी, बहुत टेस्टी होती है। गाइज हमने इतनी सारी सब्जियाँ तोड़ लिया, बाप रे बाप, ना माइक मामी ने अपने मायके से भर भर के तोड़ ली। अब जब हम रुड़की जाएंगे वापस नानी के घर, तो वहाँ से हमारे मायके से हम ले जाएंगे, मतलब वही बात चल रही थी हंसी, सब लोग जोक मार रहे थे कि मामी अपने मायके से ससुराल ले जा रही है, फिर मतलब मम्मी लोग, मौसियाँ लोग सब अपने मायके से अपने ससुराल ले जाएंगी, वही सब्जियाँ थोड़ा थोड़ा करके बटेंगी सब में। बट बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ हैं, ककोड़े हैं, मतलब मुझे मीठे करेले की सब्जी पसंद है, हरी मिर्च, लाल मिर्च, संतरे और एवरीथिंग, स्कोस, नाइस। चलो बारात की तरफ चलते हैं, देन फाइनल अलविदा करते हैं बारात। गाइस मेरा फ्यूचर मेरे बगल में बैठा हुआ है, देख लीजिए मेरा फ्यूचर कुछ ऐसे ही होने वाला है। इफ़ यू विल एक्सेप्ट मी इन माय फ्यूचर देन यू विल हैव मी इन प्रेजेंट, क्लियर कट बोल रही हूँ। अगर आप मुझे ऐसे एक्सेप्ट करोगे तो मैं ऐसे भी खुशी खुशी आपके पास आना चाहूँगी, नॉट माय। दुल्हनिक बड़ी ताई, अच्छा ताई ताई भाई, दादी दादी दादी, अच्छा नाइस। शी इज़ सो फ्रैंक। जो है अपना दुल्हन और दूल्हा एक चक्कर मार के आ रहे हैं, जिसे हमारे यहाँ दौरबाट कहते हैं। एक्चुअली दौरबाट में होता ये कि दुल्हन ससुराल जाने के बाद 2 दिन बाद फिर वापस मायके आती है और दूल्हा भी आता है उनके साथ। लेकिन यहाँ पर ये सीन हो गया, अगर फैमिलीज़ बाहर रहती हैं, सपोज़ जैसे फैमिलीज़ उत्तराखंड में नहीं रह रही हैं, हरियाणा या कहीं दिल्ली रह रही हैं, उनको वापस उत्तराखंड नहीं आना, तो वो काम करते हैं, आजकल एक चल गया ये शॉर्ट तरीका चल गया है कि वो एक राउंड मार के अपने घर के पीछे का पूरा उसे ही दौरबाट करके देन उसके बाद फिर परमानेंट वाला चले जाते हैं, मतलब ससुराल। तो ये भी एक तरीका आ चुका है अब, और अच्छा भी है बेचारे, जिन लोगों को मतलब दोबारा ना आना पड़े उनके लिए तो ये ठीक ही है।
तो अभी वही फॉर्मेलिटी है चल रही है, वही हम कस्टम फॉलो कर रहे हैं। और दूल्हा दुल्हन फिर से अभी यहाँ पर आएंगे, आ चुके हैं और भीड़ बहुत है, मैं आपको दिखा नहीं पा रही, बट वेट आज शो गाइस। पीछे विदाई, ऑलमोस्ट विदाई वाला सेशन चल रहा है, अभी विदाई हो चुकी है, दौर बाट भी हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया, आपने देखा होगा पीछे क्लिप में जो दुल्हन है ना, वो अपने पापा के गले रख के रो रही हैं। शी इज़ अ पापा लवर एक्चुअली, जैसे हम भी होते हैं, सब लड़कियां पापा की फेवरेट होती हैं। तो अब दुल्हन को गोदी में लेके जा रहे हैं आगे की तरफ। सो या आई वॉन्ट टू से दैट इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो फीलिंग, कि जब लड़की ना सिंदूर भर लेती है ना गले में मंगलसूत्र सिंदूर, तो उनकी लुक ना मैच्योरिटी अलग ही दिखती है चेहरे पे, और वो वाइब्स ही अलग आती है। लाइक शी बिकेम कम्प्लीट मिच्योर, मतलब वो अब कम्प्लीट एक वुमेन में आ चुके, तो वो फीलिंग ही बहुत डिफरेंट होती है। एंड आई लाइक दैट, हम समझ सकते हैं एक लड़की होने के नाते कैसी फीलिंग होती है ये पापा से फैमिली से अलग होना। चलो अब हम बारात के साथ ऊपर चलते हैं, एंड देन बस पे दिखाती हूँ आपको पहुँचने के फाइनली थक हार कर हम पहुंच गए हैं रुड़की में, हमने कदम रख लिया है रुड़की में। और हम ना पहुंचे थे अराउंड 7 बजे सुबह के, हम निकले हैं वहां से मरड़ा से करीबन 11 बजे, तो हम पहुंचे थे 7 के अराउंड रुड़की में। तो सबसे पहले हमने पहुंचते के साथ ही हम क्या करें, हम गए नानी के घर, मतलब अपने घर पे गए हम, और फ्रेशन अप हुए, कपड़े चेंज करे, जैसा कि आप देख रहे हो। अब हम सब ने, मेरे साथ के जो पूरे टीम मेट थे, जो मतलब यहाँ से मेरे घर से जो बारात गई थी, उन टीम मेंबर्स ने भी सबने कपड़े चेंज कर लिए। फाइनली मैंने भी कर लिए, क्योंकि वो ना हो जाता है ज़्यादा देर तक ना शादी के कपड़े नहीं टिकते, और ऊपर से सफ़र के कपड़े तो पता ही आपको नहीं रहा जाता ज़्यादा देर तक। तो चेंज वेंज करके फ्रेशन अप होके हम लोग सीधा आए बारात वाले घर। ये तो ओपन था ना बारात वाला घर, जो कि अभी मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये पूरा माहौल, ये पूरे जो सारे सदस्य हैं बारात के हैं, मतलब मम्मी है पीछे, मौसी है सब। तो हम बारात वाले घर में आ गए, क्योंकि दूल्हा दुल्हन भी यही आए सीधा, और दूल्हा दुल्हन एक्चुअली हमसे पहले पहुंच गए थे, हम थोड़ा लेट हो गए, हमारी बस लेट हो गई थी, तो अंधेरे में ही पहुंचे ऑलमोस्ट। और फिर उसके बाद वही है, अब यहाँ पर डिनर का अरेंजमेंट है, एंड दुल्हन की एक रस्म होती है हमारे यहाँ पर, जिसमें दुल्हन को हम गिफ्ट देते हैं चांदी के सोने के गिफ्ट्स, और दुल्हन फिर उसके बदले में पैर छूती है। तो वो सब फॉर्मेलिटीज़ हमारे आने से पहले होगी, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वी वर लेट, हम लेट थे इसीलिए, तो वो नहीं देख पाए हम, रियली सॉरी, मैं आपको नहीं दिखा पाई, तो उस चीज़ के लिए मैं भी थोड़ा अपसेट हूँ, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, टोटली फाइन। तो जो आगे होगा वो मैं आपको बताती हूँ, कि इसके बाद हम अभी डिनर में क्या क्या है, क्या कर रहे हैं, एंड लेट्स सी, मैं सबसे रिव्यू भी लूँगी आज का, ठीक है? कितना जूम हो सकता है मेरा कैमरा दोस्तों? दिख रहा है? हाँ मैं ले लूँ, दोस्तों मुझसे तो रहा नहीं गया, सुबह से ट्रैवलिंग करी, फिर इतनी भूख लग गई, और मैंने ट्रैवलिंग में कुछ खाया भी नहीं था बाहर का, प्रेफर करती हूँ कि ना ही खाऊं, तो मुझसे अब खाना देख के हुआ नहीं सब्र, मैंने तो भर ली अपनी प्लेट सैलेड, और मेरी को जो पसंद आया उससे वेज मटेरियल, तो खाना भी बहुत अच्छा था वैसे, और जब भूख लगती है तो खाना दुगना स्वाद लगता है, तो यम था। तो गाइस
फाइनली अब हम लोग शादी के बाद का जो रात्रि भोजन है वो भी करके आ गए हैं, मतलब दूल्हे के घर पे सब लोग, सबके सब लोग, और विवाह कार्यक्रम भी सुखी सुखी संपन्न हो गया है सारा, अब ख़त्म हो चुका है सब। एंड अब सब मेरी माता और उनकी बहनें अब सब आ गए हैं हम यहाँ पर सोने के लिए, रात को आराम करने के लिए। सब खा पी के फुल हो चुके हैं और थक भी चुके हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज हमने ट्रैवल भी किया था, मौसी मैंने और जिया ने और नितिन ने। तो अब वक्त आ गया है कि मैं भी थक गई हूँ, वक्त आ गया कि फाइनली मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। एंड एंड करने से पहले मैं सबके रिव्यू ले लेती हूँ ताकि आपको भी पता लगे कि सबको लगा कैसा आखिर, कैसा लगा शादी में, कैसा लगा मम्मी शादी में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। सच सच बताना है, ठीक है? सच सच बताना है, कैसा लगा मौसी? बहुत अच्छा, थक लगी ना? एंजॉय किया, हम तो गांव गए थे ना, थक भी लगी बहुत ज़्यादा। हाँ थक लगी, देखा चेहरे पे दिख रहा है आपको मेरे डार्क सर्कल, नींद नहीं पूरी मेरी। नितिन नितिन को कैसा लगा? वहीं से बोल दो, कोई नहीं फेस में दिखा रही, कैसा लगा? ओके ओके, ओह ही इज ऑनेस्ट बाय द वे। जी हाँ अच्छा लगा, अच्छा लगा ना? टायर्ड टायर्ड, देखा सब टायर्ड हो गए यार, ये गांव की शादी में जाना आसान काम नहीं होता है, ऊपर से ऐसे सर्दी का टाइम हो और हम शहरी बच्चे ठहरे, मतलब बाहर से शहरी ठहरे, अंदर से दिल पहाड़ी है, लेकिन थक गए हैं सबके सब बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पर अब इस व्लॉग को फाइनली करती हूँ एंड आई होप आप सबको मज़ा आया होगा और कुछ नया देखने को भी मिला होगा मेरी लाइफ से रिलेटेड, और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज है रिलेटेड टू माय फैमिली एंड एनीथिंग, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट, ओके? एंड या प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस फाइनली गुड नाइट, बाय बाय, कल मुझे निकलना है दिल्ली के लिए, बाय बस।